बिलासपुर के गुरुद्वारा चौक व कॉलेज चौक के पास शौचालय की समस्या अब हल हो गई है। यहां टूरिज्म विभाग द्वारा करीब 35 लाख रुपए की लागत से सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो कि शुरू हो गए हैं। काफी समय से इन शौचालयों की हालत खराब हो चुकी थी, जिससे दुकानदार व अन्य लोग परेशान थे, लेकिन अब इस समस्या का हल हो गया है, जिसे लेकर लोग काफी खुश हैं। बिलासपुर के गुरुद्वारा चौक व कॉलेज चौक के पास शौचालय की समस्या अब हल हो गई है। यहां टूरिज्म विभाग द्वारा करीब 35 लाख रुपए की लागत से सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो कि शुरू हो गए हैं। काफी समय से इन शौचालयों की हालत खराब हो चुकी थी, जिससे दुकानदार व अन्य लोग परेशान थे, लेकिन अब इस समस्या का हल हो गया है, जिसे लेकर लोग काफी खुश हैं। शौचालयों की हालत काफी दयनीय होने के कारण महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। दुकानदार भी खुले में शौच जाने को मजबूर थे, क्योंकि इन शौचालयों की हालत ऐसी थी कि इनमें जाना तो दूर, यहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया था, जो स्वच्छता को भी ठेंगा दिखाया जा रहा था और लोग खुले में शौच करते थे, जिससे बिलासपुर काफी प्रदूषित हो रहा था और जगह जगह गंदगी पड़ रही थी। लेकिन सुलभ शौचालय का निर्माण होने के बाद अब ये सारी समस्या खत्म हो गई है और दुकानदार भी अब खुश हैं कि उन्हें कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। बहुत थी। था भी पहले उसकी सफाई नहीं होती थी, अब दोबारा नया बनने के बाद उसकी सफाई मिलेगी और सही तरीके से यूज होगा। कहते वो बाहर जाते थे शहर में उसके लिए उनको सहूलत होगी। टॉयलेट की इतनी सुविधा थी नहीं और लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती थी, और अब अच्छा हो गया लेडीज के लिए, बहुत अच्छा हो गया जो टॉयलेट की सुविधा हो गई।